हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शोएब और आज मेरे पास एक मदरबोर्ड है। और मेरे पास मेरे प्रीवियस वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि सर, लैपटॉप का जो इम्पीडेंस होता है वो किस तरह से लिया जाता है किसी भी सर्किट का, उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए उन्होंने कमेंट किया था। तो मैंने सोचा कि चलो ये बताने वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे कॉमन जो फ्रेशर इंजीनियर होते हैं उनको अक्सर नहीं पता कि इम्पीडेंस होता क्या है और इम्पीडेंस किसी भी बोर्ड का कैसे लिया जाता है। क्योंकि इम्पीडेंस जो है आपकी बोर्ड को रिपेयरिंग करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर एक बोर्ड आप रिपेयर करना चाहते हैं तो उसको मैं आज बताऊंगा कि आपका इम्पीडेंस कोई सा भी मदरबोर्ड होता है तो उसका इम्पीडेंस आपको कैसे लेना है आपके मल्टीमीटर की हेल्प से। क्योंकि इम्पीडेंस लेने के लिए सिर्फ आपको मल्टीमीटर होना चाहिए और आपके पास जो मदरबोर्ड है वो होना चाहिए। इसकी हेल्प से आप बोर्ड का इम्पीडेंस ले सकते हो। इम्पीडेंस एक्चुअल में होता क्या है वो भी आपको अभी दिख जाएगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे। तो इम्पीडेंस से जो भी आपका डाउट है वो सारे डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, तो मेरे पास आप मल्टीमीटर देख सकते हैं और मल्टीमीटर को जो मैंने सेट किया है आप देख सकते हैं, ये डायोड मोड होता है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मल्टीमीटर के, बजर मोड या फिर आप इसको डायोड मोड पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, डायोड का सिंबल देख सकते हैं आप। इस पे रखने के बाद आपको क्या करना है, मल्टीमीटर के जो दो प्रोब होते हैं आपके पास, रेड एंड ब्लैक, तो इम्पीडेंस लेते समय या फिर आप रिपेयरिंग अगर कर रहे हैं तो आप हैबिट बना लो कि आपका जो रेड वाला प्रोब है इसको ग्राउंड करने की, क्योंकि इम्पीडेंस लेवल हमेशा रेड को ग्राउंड करके लिया जाता है। अगर आप वोल्टेज भी चेक करते हो तो ग्राउंड को रख के कर सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है कि नेगेटिव से वोल्टेज चेक करेंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप वोल्टेज चेक करोगे तो सिंपल आपको माइनस करके आपका वोल्टेज शो होगा। ठीक है, तो आप इसको हमेशा ग्राउंड रखें और ब्लैक वायर से आपको इम्पीडेंस लेना है। तो मैंने शायद किसी वीडियो में या फिर किसी थ्योरी की क्लास में जब मैंने स्केमेटिक के ऊपर बात किया था तो बताया होगा कि इम्पीडेंस की जो सेटिंग स्टार्ट करनी है, इम्पीडेंस कहाँ से स्टार्ट करना है, वो आपका स्टार्टिंग होती है 19 वोल्ट से। ऐसा नहीं है कि 19 वोल्ट से स्टार्टिंग होती है, आपको करना जो चाहिए 19 वोल्ट के CLR से करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये CLR है, ठीक है, ये CLR है, तो आप देख सकते हैं ये एक दो CLR है। आपको पता है कि आप पूरे मदरबोर्ड में दो CLR कम से कम होता है, जो कि एक अडेप्टर लाइन को बताता है और एक बैटरी वोल्टेज की एंट्री होती है। तो बैटरी का CLR आपकी बैटरी को चार्ज करने में काम आती है, अडेप्टर का CLR आपके पूरे बोर्ड को ट्रैवल करता है 19 वोल्ट को या फिर बैटरी की तरफ से 12 वोल्ट को। तो मेरे पास ये जो अडेप्टर का CLR है, मैंने जब इस पर रखा ब्लैक प्रोब तो आप मेरे मल्टीमीटर में देख सकते हैं इस पर आ रहा है 0.467। ये एक वैल्यू है, इसी वैल्यू को कहते हैं इम्पीडेंस। आप समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ कि इम्पीडेंस होता क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों को यही नहीं पता इम्पीडेंस क्या। वोल्टेज तो जानते हैं कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट है ना, मदरबोर्ड समझते हैं कि मदरबोर्ड होता है, इम्पीडेंस क्या होता है ये नहीं पता लोगों को। इम्पीडेंस होता है एक वैल्यू जो कि ये बताता है, जैसे कि यहाँ पे 400 के ऊपर इसकी वैल्यू है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, जैसे कि कोई एक वोल्टेज, दो वोल्टेज, चार वोल्टेज, पांच वोल्टेज, जो वोल्टेज इस लाइन पे आएगा CLR के लाइन पे, जो वोल्टेज आप दोगे वो वोल्टेज यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आपने 18 वोल्ट दिया तो आपको CLR पे मिलेगा, अगर आपने 5 वोल्ट दिया तो आपको यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर यही इम्पीडेंस, अगर आप समझ लो, देखो अभी मैं दिखला रहा हूँ आपको, अगर यही इम्पीडेंस 000 या 0010, मतलब अगर 0.0010 आएगा, 2 डिजिट में अगर इसकी वैल्यू आएगी, तो आप समझ लो कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं बनने वाला आपका। ठीक है, इम्पीडेंस का मतलब होता है लो इम्पीडेंस, लो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, हाई वैल्यू आनी चाहिए, कम से कम 400 के ऊपर इसकी वैल्यू आनी चाहिए CLR के पॉइंट की। ठीक है, 400 से ज़्यादा वैल्यू अगर नहीं आएगी तो आप समझ लो यहाँ की जो वोल्टेज 19 वोल्ट बनेगा वो बनने की उम्मीद बहुत कम होगी। ठीक है ना, 10 डिजिट, 2 डिजिट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, 3 डिजिट में वैल्यू आनी चाहिए, चाहे 100, चाहे 200, चाहे 300 के अंडर में वैल्यू आनी चाहिए, 2 वैल्यू में नहीं आनी चाहिए। जैसे कि 10, 20, 30, 90 इसके में अगर इम्पीडेंस आ रहा है तो समझ लो कि आपका 19 वोल्ट आपके CLR तक नहीं पहुंच पाएगा, ये एक इम्पीडेंस होता है। उसी तरह बैटरी का CLR का इम्पीडेंस देखो कितना आ रहा है, इसमें भी 400 आ रहा है। ठीक है ना, तो इससे पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू 400 होनी चाहिए। फिर आपका जो इम्पीडेंस लेवल होता है वो होता है स्टेप डाउन का, क्योंकि 19 वोल्ट के बाद लोग हमेशा 3 और 5 का वोल्टेज चेक करते हैं। तो 3 5 का इम्पीडेंस चेक करने के लिए आप देखो ये कॉइल है, ठीक है, 3 वोल्ट का कॉइल है या 5 वोल्ट का, तो कोई भी कॉइल है, तो मैंने रेड को ग्राउंड करके ब्लैक को अपने हाथ में ले लिया है और मेरा जो मल्टीमीटर है वो डायोड रेंज में है, उसको मैंने टच किया तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 300 अबव, 375।
इसका मतलब है ये कॉइल पे वोल्टेज बन सकता है। अगर ये 3 वोल्ट का कॉइल है तो इसका सर्किट 3 वोल्ट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे 3 वोल्ट आने का पूरा पूरा उम्मीद है, ठीक है ना। मतलब इस पे भी कितना है, 3 डिजिट में इसकी वैल्यू होनी चाहिए, 100 200 300 में इसकी इंपेडेंस होनी चाहिए। 2 डिजिट में अगर वैल्यू आ रहा है जैसे कि 10 20 30 40 50 80 तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं लीकेज है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ की शॉर्टिंग को रिमूव करनी है या यहाँ की लीकेज को रिमूव करनी है। जब तक आपने इसकी शॉर्टिंग लीकेज रिमूव नहीं किया, जब तक आपको यहाँ पे प्रॉपर 5 वोल्ट या प्रॉपर 3.3 वोल्टेज नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपका सिस्टम नो पावर की कंडीशन में रहेगा। उसी तरह आप 5 वोल्ट का कॉइल देख सकते हैं, ये यहाँ पर है, रेड को ग्राउंड करेंगे, 5 वोल्ट का इंपेडेंस लेंगे। इसका इंपेडेंस आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 369। तो लगभग दोनों 3 और 5 का इंपेडेंस सेम है, तो लगभग सेम होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये छोटा वाला कॉइल है, इस छोटे वाले कॉइल पे आप देख सकते हैं कि ये 1.8 वोल्ट का है समथिंग, इस पे भी 3.300 के अबव है, ये भी ठीक है। फिर ये आपका रैम का कॉइल है, रैम का इंपेडेंस देख सकते हैं आप 300 है, मतलब ये भी बिल्कुल ठीक है। तो कॉइल और कहाँ पे है इस बोर्ड में, इस बोर्ड में कॉइल आप देख सकते हैं एक ये कॉइल है, ठीक है, शायद 1.0 वोल्ट की कॉइल है ये, तो यहाँ पे भी समथिंग 200 के अबव में है। तो 3 डिजिट में वैल्यू होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। फिर आपका कोर सीपीयू कोर हो जाता है, इनमें से एक ग्राफिक्स होगा एक सीपीयू होगा। तो सीपीयू का देख सकते हैं आप, सीपीयू का दिखला रहा है मेरे को 0000। ये क्या है, इसका मतलब है कि मेरा जो मदरबोर्ड है इसका जो सीपीयू है कहीं ना कहीं सीपीयू का कोई सप्लाई शॉर्ट है, सीपीयू के कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, या फिर आपका सीपीयू खुद शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि ये सीपीयू की सप्लाई है। सीपीयू अगर शॉर्ट होगा तो आपको ये कॉइल पे बीप आएगा, जैसे कि अभी मैंने डायोड पे किया इसलिए बीप नहीं आ रहा। अब मैं इसको डायोड बीप पे करूँगा सेट, तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में आवाज़ आ सकती है आपको कि बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। और इसकी वैल्यू अगर इंपेडेंस देखोगे तो इंपेडेंस की वैल्यू जो है 0000। अगर इसकी इंपेडेंस 0.010 या 20 भी होता तो ये ठीक था। क्यों, क्योंकि अक्सर क्या होता है सीपीयू के पास की जो कॉइल होती है, या फिर आप कहो कि सीपीयू की जो कॉइल होती है इसकी वैल्यू हमेशा लो आती है। जैसे 3 वोल्ट की इंपेडेंस जो है 3 डिजिट में आती है, रैम का इंपेडेंस 3 डिजिट में आता है, लेकिन अगर सीपीयू की बात करेंगे या जीएफएक्स की बात करेंगे या पीसीएच की सप्लाई की बात करेंगे, जहाँ जहाँ पे जो चिप होती है वो बॉल वाली होती है, बॉल वाली चिप की जो कॉइल होती है उसकी वैल्यू हमेशा लो आती है। लो आती है मतलब 10 से ऊपर होनी चाहिए आपकी, 2 डिजिट में होनी चाहिए, कम से कम 2 डिजिट में। अगर 1 डिजिट में अगर आपकी इंपेडेंस आ रही है सीपीयू कोर, ग्राफिक्स कोर, 1.05 पीसीएच की कोर, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वोल्टेज, वो पर्टिकुलर सेक्शन शॉर्ट है। जैसे कि अभी आपने देखा ये ग्राफिक्स या सीपीयू की सप्लाई फुल्ली शॉर्ट है, इसी तरह ये ग्राफिक्स है, इसका वैल्यू देखता हूँ तो ये भी, मतलब इसका मतलब है कि ये जो चिप है ये शॉर्ट है, क्योंकि ग्राफिक्स और सीपीयू दोनों शॉर्ट दिखलाने का मतलब ये जो सीपीयू है इसका इंटरनल आईजीपीयू भी शॉर्ट है, इसका मतलब पूरा का पूरा सीपीयू शॉर्ट है। तो इस बोर्ड में हमने कैसे पता किया कि सीपीयू शॉर्ट है, इंपेडेंस से। तो हमें इससे पता चल गया कि ये बोर्ड रिपेयर नहीं हो सकता जब तक ये पीसीएच चेंज नहीं होगा। हाँ, एक बार आप चेक कर सकते हैं कि शॉर्टिंग किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मेरी वीडियो है कि अगर किसी भी तरह का आप शॉर्टिंग फाइंड करते हो इंपेडेंस के लेवल से, तो आप उस शॉर्टिंग को रिमूव कैसे करोगे, तो इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके विजिट करके आप देख सकते हैं हाउ टू रिमूव शॉर्टिंग। एनी टाइप के शॉर्टिंग को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सीपीयू की शॉर्टिंग थी, आपको कैसे निकालना है इसकी शॉर्टिंग आप मेरे वीडियो से देख सकते हैं। अगर इसकी शॉर्टिंग नहीं निकली तो आप समझ सकते हैं कि सीपीयू शॉर्ट है। तो आपको क्या पता चला इंपेडेंस से, इंपेडेंस से आप यहाँ तक पहुँच गए कि आपके बोर्ड पर आपको काम कहाँ पर करना है, सीपीयू के ऊपर काम करना है, क्योंकि आपकी सीपीयू की सप्लाई शॉर्ट है, ठीक है ना। तो इंपेडेंस हमें यही बताता है। अगर मैं दूसरा बोर्ड आपको दिखलाऊं, जैसे कि ये एक टाइगर पॉइंट का सीपीयू है इसमें, तो इसका इंपेडेंस अगर मैं आपको दिखलाऊं, जैसे कि अगर मैं 19 वोल्ट का दिखलाऊं सीएलआर का, तो ये रहा सीएलआर इसका, जिसका इंपेडेंस मेरे को 0.052। अगर मैं इसको बीप पे सेट करूं, तो बीप पे इसकी वैल्यू 60 आ रही है, तो जो कि मे बी गलत है, बीप इसकी वैल्यू इतनी नहीं आनी चाहिए, 100 से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन मैं देख लेता हूँ, इसमें चार्जिंग आईसी भी लगी हुई है इसके अंदर, और ये वैल्यू जो है ये गलत है, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू गलत है, कम से कम 100 में वैल्यू होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसको देखना पड़ेगा, ये शॉर्ट तो नहीं है। उसी तरह फिर आप स्टेप डाउन देख सकते हैं, ये रहा स्टेप डाउन इसका, और स्टेप डाउन का वैल्यू देख सकते हैं 300 से ऊपर है, 400 के आसपास है, ये ठीक है। उसी तरह दूसरे स्टेप डाउन, ये भी ठीक है, 400 500 के आसपास है, ठीक है। उसी तरह ये कॉइल
जो PCH की कॉइल है, ये जो टाइगर पॉइंट देख रहे हैं आप साउथ ब्रिज, इसकी ये सप्लाई है जो कि वैल्यू कम आ रही है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई सी भी ऐसी चिप है जो बॉल वाली चिप है, उसके पास वाली जो कॉइल है, मतलब चिप की जो सप्लाई है, वहाँ पे अगर उस कॉइल का यूज़ किया गया है तो उस कॉइल पे लो इम्पीडेंस आएगा, क्योंकि आपको पता है एक PWM में कॉइल का यूज़ किया जाता है, उसी कॉइल को इनपुट एंड आउटपुट से कनेक्ट किया जाता है। अगर इनपुट में शॉर्टिंग होगा तो आप कॉइल से पता कर सकते हैं, आउटपुट में शॉर्टिंग होगा तो कॉइल से पता कर सकते हैं। इसलिए जो है हम मेन पॉइंट को चेक करते हैं। कॉइल अगर शॉर्ट है तो आप समझ लो कॉइल इस सेक्शन का शॉर्ट, क्योंकि कॉइल कभी भी शॉर्ट नहीं होता। आपको पता है कॉइल जो होता है एक रिबन की तरह होता है, आपस में लपेटा हुआ होता है इसके अंदर की वायर, तो कॉइल को कभी भी शॉर्ट नहीं कह सकते आप। उनके पास में जितने भी सेक्शन है वो जो सेक्शन से रिलेटेड होता है, ये कॉइल मान लो कि ये इसका सेक्शन है, तो इस सेक्शन में लगे हुए मेन मोसफेट, सपोर्टिंग मोसफेट, या फिर ये खुद, या फिर इसके पास में इंटू फोर कैपेसिटर होते हैं, उनमें से कोई सा भी चीज़ अगर आपका शॉर्ट होगा तो आपको ये दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना। तो ये जैसे कि अगर बीप पे मैं सेट करूँगा तो आपको बीप सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू ठीक है। ठीक है, मैंने बोला था 2 डिजिट में होनी चाहिए बॉल या चिप की इम्पीडेंस। तो उसी तरह अगर मैं इसमें, ये CPU है, एटम CPU, इसका ये कोर वोल्टेज है, कोर के इम्पीडेंस देखो जो कि 122 है, बिल्कुल ठीक है। अगर इसको मैं बीप पे दिखलाऊंगा आपको तो बीप पे भी वैल्यू अच्छी खासी है। क्या होता है कभी कभी CPU के पास जो कॉइल होती है वो बीप करती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शॉर्ट है। शॉर्ट जब भी आपको लगना चाहिए जब उसका इम्पीडेंस 2 डिजिट से अंदर हो, मतलब 1 डिजिट में अगर इसकी वैल्यू है, डायोड मोड पे उसकी वैल्यू और बीप मोड में, दोनों मोड में अगर उसकी वैल्यू 1 डिजिट में है, जैसे लेके 1 से लेके 9 के बीच में है, तो आप सस्पेक्टेड कह सकते हो कि वो CPU की सप्लाई शॉर्ट है, ठीक है। उसी तरह इसमें कुछ नहीं है। और अक्सर लोग कहते हैं कि BIOS के पिन नंबर 8 पे शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, चिप शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, होता है ये है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा पिन नंबर 8 शॉर्ट होने से आपका PCH शॉर्ट होता है या CPU शॉर्ट होता है। तो ऐसे देख सकते हैं आप, मैंने पिन नंबर 8 पे लगा रखा है और डायोड पे कर रखा है, तो जिसकी इम्पीडेंस आपकी 400 से ऊपर है, इसका मतलब ये पिन नंबर 8 की जो इम्पीडेंस है वो बिल्कुल ठीक है, ये पिन शॉर्ट नहीं है, ठीक है। और मैं जैसे बोला कि 8 नंबर शॉर्ट होने से हमेशा CPU शॉर्ट नहीं होता, क्या होता है कभी कभी आपका LDO अगर शॉर्ट होगा तो पिन नंबर 8 भी शॉर्ट दिखलाएगा, ठीक है, क्योंकि LDO का वोल्टेज डायरेक्ट पिन नंबर 8 पे आता है। तो LDO का पिन अगर बीप करेगा तो जाहिर सी बात है 8 नंबर पिन भी बीप करेगा, ठीक है। तो इसी तरह मैंने आपको इसमें शॉर्टिंग इम्पीडेंस कैसे लिया जाता है ये मैंने आपको दिखला दिया, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, हो सकता है तो Part 2 वीडियो मैं बनाऊँगा इम्पीडेंस के ऊपर, जो कि एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँगा आपको, और इम्पीडेंस कैसे लिया जाता है, पर्टिकुलर पिन के इम्पीडेंस कैसे लिया जाता है, IC जैसे IO है आपके पास, 128 पिन की IO है, इसका कैसे इम्पीडेंस लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे आपका PWM है, जैसे चार्जिंग IC, स्टेप डाउन IC, साउंड IC, लैन IC, इसको कैसे हम वेरीफाई करें कि इम्पीडेंस लेवल में ये IC बिल्कुल ओके है, तो इसको मैं Part 2 में बनाऊंगा। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आप सबको ये बोरी फील कराने लगेगा, है ना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।